रिफ्लेक्सिव होगा फॉर ऑल ट्राइंगल टी बिलोंग टू, ये ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है, ए क्या है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, फॉर ऑल ट्राइंगल टी बिलोंगिंग टू ए, टी इज सिमिलर टू टी, टी अपने खुद के सिमिलर होगा भाई, यहां पर ए सेट है, यहां पर भी ए सेट है, यहां जो ट्राइंगल होगा वो यहां भी होगा क्योंकि दोनों एक जैसे सेट है, तो हर ट्राइंगल अपने खुद से सिमिलर तो होता ही है, तो हर ट्राइंगल अपने आप से एसोसिएट होगा, हर ट्राइंगल अपने आप से एसोसिएट होगा, टी इज सिमिलर टू टी इंप्लाइज टी टी बिलोंग्स टू आर, टी टी आर में बिलोंग करेगा, राइट, टी टी आर में बिलोंग करेगा। सेकंड, सेकंड अनिरुद्ध, ये सेट है, इसमें कोई ट्राइंगल है टी तो वो राइट साइड में भी सेम सेट है, इसमें भी होगी, और हर ट्राइंगल अपने खुद के साथ सिमिलर होती है, तो टी टी से एसोसिएट होगा, राइट। हम मान लेते हैं टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, टी वन टी टू आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ टी वन इज सिमिलर टू टी टू, दिस इंप्लाइज टी टू इज सिमिलर टू टी थ्री, सॉरी टी टू इज सिमिलर टू टी वन, टी टू टी वन के सिमिलर होगा, अगर टी टू टी वन के सिमिलर है, यहाँ का टी टू यहाँ के टी वन के साथ सिमिलर है, तो टी टू टी वन आपस में एसोसिएट होंगे, यानी कि आर में बिलोंग करेंगे, राइट। तो रिलेशन कैसा हो गया, आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा है सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव कौन बताएगा, सर मैं बताऊंगा सर, आप सर टी वन टी टू बिलोंग करता है आर में, लेट सो टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर एंड टी टू टी थ्री बिलोंग टू आर, सो दिस इंप्लाइज दैट T1, क्योंकि this implies T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. Since T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. So that implies that T1 will also be similar to T3. So therefore, T1 is similar to T3. This implies T1, T3 belongs to R. Yes. T1, T2 बच्चों R में है, T2, T3 R में है. T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, एक ट्राइंगल है मान लो, ये इसकी साइड है 2 3 4, दूसरी ट्राइंगल है इसकी साइड है 4 6 8, तीसरी ट्राइंगल है ये सेकंड, और T2 और T3 आपस में सिमिलर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो जैसे ये होगा 8, ठीक है, या मान लो ये ले लेता हूँ मैं 12, ये 18, ये 24, तो देखो T1 और T2 सिमिलर है, देख सकते हो आप T1 और T2 सिमिलर है ना, क्योंकि इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। T2 और T3 भी सिमिलर हैं, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, 3 आएगा, और फर्स्ट को और थर्ड को देखें तो 2/12 1/6, 3/18 1/6, 4/24 1/6, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अभी भी सेम आ रहा है, तो थर्ड ट्राइंगल भी सिमिलर है, तो जब एक ट्राइंगल दूसरी के सिमिलर हो, सेकंड थर्ड के सिमिलर हो, तो फर्स्ट ट्राइंगल थर्ड के साथ सिमिलर होगी, दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3, राइट, इंप्लाइज ट्राइंगल T1 T3 के साथ सिमिलर है, इसका मतलब हुआ रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, T1 T3 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव, करेक्ट। ऐसे होगा बच्चों, अब ये कहता है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की साइड कितनी है, 5 12 13 5 12 13, सेकंड ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी है, एक की साइड है 3 4 5 3 4 5, एक ट्राइंगल और है इसकी साइड कितनी है 6 8 10 6 8 10,
10, ठीक है. विच ट्राइंगल, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, कौन सी ट्राइंगल आपस में एसोसिएट होंगी, जो सिमिलर होंगी वो एसोसिएट होंगी. तो ये चेक कर लो सिमिलर कौन कौन सी है. ये वाली ट्राइंगल T1 T3 के साथ सिमिलर लग रही है मुझे, क्योंकि 3 और 6 का रेशो 1/2, 4 8 का रेशो 1/2, 5 और 10 का रेशो 1/2, ठीक है. तो ये क्या होगा, सिमिलर होंगे, राइट? यस सर, यस सर. T1 इज सिमिलर टू T1, T3 बिलोंग्स टू R. थर्टींथ क्वेश्चन में क्या है सर, आज इधर ही छोड़ दो सर. इधर ही छोड़े हुए हैं सर, कहाँ पर सर? आज इधर ही खत्म कर दो मैं, मतलब सर और नहीं होएगा. चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है, 15th वाला, वो देखो. R इज द रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 4. R में 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है, 2 3 है. करेक्ट आंसर बताना है. R इज रिफ्लेक्सिव, चेक करो R रिफ्लेक्सिव है क्या. देखो सेट में हमें कौन से एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 4. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे एलिमेंट R में होने चाहिए. चेक करो हैं क्या, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बट 4 4 नहीं है. यस, तो R रिफ्लेक्सिव, तो 4 4 है क्या, 4 4 भी है, यानी कि R रिफ्लेक्सिव है. यस, सिमेट्रिक चेक करो, नहीं है. 1 2 है तो 2 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है क्या? 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है. ट्रांजिटिव है, नहीं है सर. देखो इसमें 1 2 है, 1 2 है, 1 2 3 भी है, 2 3 है क्या इसमें, 1 2 है, 2 2 है सर, 2 2 है उसका, तो 1 1 2 है, 1 1 2 है, और 2 2 है, वो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है. तो 2 2 ले सकते हैं, 2 2 लेंगे तो वापस 1 2 चाहिए हमें, 1 2 है इसमें, 1 3 है, हाँ देखो 1 3 है, 3 2 है, 1 2 होना चाहिए, है. ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, ट्रांजिटिव है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है, करेक्ट. रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो जो ऑप्शन आंसर दे सकते हो सर, बी ऑप्शन, ठीक है. इसको करके रखोगे सभी, बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे जो छोड़े हमने, और इनको भी एक बार रिपीट करेंगे सभी, ठीक है. अर्जुन आपका पढ़ोगे, डेरिवेटिव पूरा पढ़ा है आपका. यस सर, कब पढ़ोगे बताओ. यस सर, तो ठीक है, टाइम पूछे, टाइम कब पढ़ोगे बताओ सर. कब से शुरू करना है सर, मंडे से? मंडे का क्या, कल से शुरू कर...